वेलकम बैक टू चैनल गाइस, आप देख रहे हैं कंसेप्ट सब्लिमेशन की एक और नई वीडियो। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एलईडी आइटम्स हम लोग कुछ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ लॉन्च कर रहे हैं, तो जैसे जैसे प्रोडक्ट लॉन्च होते रहेंगे, बनते रहेंगे, बताते रहेंगे आपको। अभी जैसा कुछ आइटम्स हम लोगों ने बना दिए हैं, रेडी कर दिए हैं, तो वही सब आज बताने वाले हैं कि क्या प्रिंटिंग प्रोसेस है उसके अंदर, किस तरीके से आपको मिलने वाला है, क्या बॉक्स पैकिंग के अंदर आएगा, कुछ लैंप्स वगैरह हैं हमारे, वो डिसमेंटल होकर के आपके पास में आएंगे ताकि उसका वॉल्यूमेट्रिक वेट ना बढ़े, तो डिसमेंटल करके हम उसे आपको देंगे। तो आपको अलाइन किस तरीके से करना है, फिक्स किस तरीके से करना है। ये टेबल टॉप एलईडी फ्रेम्स है जिसके अंदर हैप्पी बर्थडे, एनिवर्सरी, कपल, ये सब इसके अंदर लिखा हुआ आएगा। पहले से बस फोटो आपको प्रिंट करनी है इसके अंदर और लगा देनी है। तो किस तरीके से आप ये करोगे वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ये अल्फाबेट्स वाले नेम फ्रेम है, इसके अंदर फोटो का ऑप्शन भी है, और अगर आपको बिना फोटो चाहिए बिना फोटो भी हो जाएगा। ये वाला आइटम जो है मैं आपको रेडी करके दूंगा इधर से पूरा का पूरा, आपको बस अपना नाम देना है, क्या मैटर उसके अंदर, क्या टेक्स्ट आपको उसके अंदर लिखवाना है, वो सारी चीजें आप मुझे बताओगे तो मैं आपको पूरा रेडी करके दूंगा। जैसे ये सिंगल अल्फाबेट में फ्रेम है एलईडी का, बस आपको नाम बताना है और इस तरह का डिजाइन आपसे पहले एक बार अप्रूव करा लेंगे, जो भी फाइल्स हमारी होती है वो आपको भेज करके एक रेफरेंस इमेज दे करके कि हाँ ठीक है ये ओके है, तो उस हिसाब से रेडी हो जाएगा। तो एक बार शुरू करते हैं क्या क्या आइटम्स हमारे पास में। एक तो मैंने आपको बता दिया टेबल टॉप फ्रेम है, और बाकी वॉल फ्रेम है एलईडी वाले, तो ये तीन चार साइज के अंदर हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करें। क्या साइजेस, क्या प्राइस वगैरह है वो सब आपको व्हाट्सएप के ऊपर डिटेल्स मिल जाएगा। तो बेसिकली अभी प्रिंट भी करके बताना है कैसा है। ये एलईडी में क्लॉक आई है इधर, ये एलईडी वाली क्लॉक है, ये हमारी वॉल क्लॉक है ये, और बाकी एलईडी फ्रेम्स हैं ये नॉर्मल अपने स्टैंडर्ड साइजेस के अंदर है, जो आप A4 के अंदर प्रिंट कर पाओगे। A4 प्लस का भी ऑप्शन है, A3 के अंदर भी हम लोग बना रहे हैं फ्रेम, जिन लोगों के पास में A3 का कंसेप्ट लगा हुआ है वो लोग इजीली आप इन्हें इजीली कर पाएंगे वो। और बाकी एक बार लाइट बंद करके अगर मैं आपको व्यू दिखाऊं किस तरह का वो आने वाला है, तो एक बार आप देखो अगर कैमरा के अंदर जज कर पाओगे, तो इस तरह के आइटम्स हैं अगर आपको प्रॉपर दिख पा रहे होंगे तो। तो प्रिंटिंग का प्रोसेस भी अगर इसके अंदर समझ लेंगे, कुछ चीजें हैं ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ में पहले कुछ वीडियोस के अंदर, तो बाकी अब एक दो चीजें रहेंगी जो अभी डिस्कस करनी है आपसे किस तरीके से आपको करना है। वापस लाइट ऑन कर देता हूँ अभी, तो एक बार को शुरू करते हैं। फिर पहले सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपना ये टेबल टॉप वाला जो फ्रेम है, इसका प्रिंटिंग आपको किस तरीके से करना है या किस फॉर्म में आपको मिलेगा। मैं सबसे पहले मशीन अपनी चालू कर देता हूँ ताकि मशीन हीटअप हो जाए। अभी 89 इसका करंट टेम्परेचर है, तो मैं एक पीस को आपको यहाँ उठा लेता हूँ और ये एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको यूज करना है। ठीक है, ये PVC इसके अंदर लगी हुई है, ये LED हमने पीछे की तरफ लगाई हुई है इसके अंदर। सिंपल आपको ये फोटो आपको प्रिंट करना है, ये साथ में आपको PVC शीट मिलेगा, ये सारा सब कुछ लगा हुआ आएगा ऑलरेडी, पूरा बॉक्स पैक आएगा बिल्कुल इसी फॉर्मेट के अंदर ही आपको मिलने वाला है। ठीक है, सीधा फोटो प्रिंट करेंगे पॉजिटिव इमेज इसके, सॉरी मिरर इमेज इसके ऊपर आपको प्रिंट करनी है, पीछे की आगे की तरफ से प्रिंट होगा ये, और सिंपल प्रिंट करके आपको स्लाइड करके इसके अंदर लगा देना है सिंपल। ठीक है, और साथ में इसके ये चार्जर आएगा, तो चार्जर से आप इसे कनेक्ट कर देंगे। मैं एक बार जो मैंने प्रिंटआउट्स वगैरह निकाले हुए हैं वो मैं एक बार रख लेता हूँ टेबल के ऊपर। सबसे पहले हमारे पास में हमने जो निकाले हुए प्रिंटआउट, देखो इस तरह जब ये वाला आइटम आपको खैर मिलेगा ये, तो खैर मैं आपको पूरा रेडी करके दूंगा जो एलईडी वाला आइटम है। इसमें ये फोटो प्रिंट करने के लिए अलग से PVC है, ये प्रिंट कर लिया आपने, प्रिंट करके आपको इसके ऊपर स्टिक करना है। बाकी मैं प्रिंट का आपको अगर करके दूंगा तो ऑलरेडी फिक्स करके दूंगा, जैसे इसके अंदर फिक्स हो रखा है ये। ठीक है, और बाकी एक LED का मैंने प्रिंट आउट निकाला है वॉल फ्रेम LED का, ये वाला ब्लैंक अभी मैंने छोड़ा हुआ है, ये आपको मैं प्रिंट करके दिखाऊंगा किस तरीके से करना है। ये वाला आइटम जो है इसे हम प्रिंट करके दिखाएंगे, और बाकी मैंने एक क्लॉक का प्रिंट आउट निकाला हुआ है। हर एक आइटम्स के अंदर बस आपको प्रिंट निकालना है, PVC आपको साथ में मिलेगा, प्रिंट करा आपने और आइटम के ऊपर आपने लगा दिया वो। ठीक है, और बाकी एक ये आइटम है, कैमरा उधर से आप दिखा दो प्लीज। एक ये डेस्कटॉप लेवल का आइटम है, आप इसे एज अ कार डैशबोर्ड पे भी यूज कर सकते हो, टेबल टॉप में भी यूज कर सकते हो, कहीं भी आप उसे यूज करो। एप्लीकेशंस आपके हाथ में, क्या बनाना है काम, क्या बनाना है। एक ये टेबल लैंप मीडियम है, ये पूरा देखो इसके अंदर थोड़ी सी चीजें हैं जो मुझे आपको बतानी है। मैंने बॉक्स कहाँ रख दिया इसका, बॉक्स ये रखा है ना। ठीक है, ये आपको किस फॉर्म में मिलने वाला है। ठीक है, ये फॉर्म में आपको मिलेगा इस तरीके से। बेसिकली क्या है, अगर मैं इसे लैंप को बना करके भेजता, सबसे पहले दिक्कत थी इसकी ब्रेकेज की, अगर मैं बना के भेजूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि ट्रांजिट के अंदर टूट जाए। बाकी पैकिंग हमारी सेफली रहती है, लेकिन इन केस
तो डिसमेंटल करके दे रहे हैं। और दूसरी अच्छी चीज ये है कि अगर मैं बना के भेजूंगा तो वेट ज्यादा लगेगा, वॉल्यूमेट्रिक बन जाएगा, तो उसमें फिर प्रॉब्लम आएगी। तो उसी के हिसाब से हम लोगों ने इसे डिसमेंटल करके आपको देने वाले हैं। ये साथ में इसका अडप्टर है जिसके हेल्प से ये चलेगा, और साथ में इसकी पीवीसी शीट है जिनके ऊपर आप फोटो प्रिंट करोगे। देखो करना किस तरीके से, सिंपल बिल्कुल एक ही साइज का हम लोगों ने बनाया है। थोड़ा सा इसके अंदर नाप जब आप अलाइन कर लेंगे उसके अंदर फेविक्विक जो होती है फेविक्विक का भी आप इसके अंदर यूज करोगे थोड़ा सा, ताकि फ्रेम जो है फिर अपनी पोजीशन से हिलेना। सबसे पहले तो आपको फोटोज प्रिंट करनी है पीवीसी के ऊपर। फोटो प्रिंट करने के बाद में मैं दिखाता हूँ एक बार, ये डबल साइड टेप लगी है, डबल साइड टेप आप हटाओगे और इस तरीके से आप इसे लगा दोगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से फिर बाहर की तरफ से दिखेगा। ठीक है, मैं एक बार लगा देता हूँ फिर एक बार आपको दिखा। तो सिंपल ये फिक्स हो गया आपका, लॉक टू लॉक है, बिल्कुल स्नग फिट है, कहीं से कुछ चीज नहीं हिलेगी। बस ये है कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगा करके आपको करना है। दिमाग भी खैर क्या लगाना है, चारों पार्ट बिल्कुल सेम बनाए हैं, बस ये ऊपर से आपको इस तरीके से सिंपल फिक्स कर देना है। और एक बार फिक्स करने के बाद में जाएगा तो कहीं नहीं, बस ये कि एक सेफ्टी के लिए आप इसमें एक एक ड्रॉप, दो दो ड्रॉप आप इसके अंदर फेविक्विक की डाल दोगे ना तो ईजी हो जाएगा। और देखो सबसे अच्छी चीज क्या है, ये एसी के ऊपर नहीं चलेगा, एसी इन द सेंस डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर नहीं चलेगा, पूरा का पूरा डीसी के ऊपर हम लोगों ने काम किया हुआ है। पूरा चार्जर जितना पावर कंजप्शन लेगा, और उजाला भी आप देखो कितना लाइटनिंग वो दे रहा है, कितना ब्राइटनेस उसकी आ रही है। तो सेफ्टी के हिसाब से भी आपको कहीं कोई सोचने की जरूरत नहीं कि करंट लगेगा नहीं लगेगा, पूरा का पूरा हम लोगों ने इसके ऊपर डीसी के ऊपर काम किया हुआ है, तो वो दिक्कत नहीं है इसके अंदर कि करंट लगेगा या कुछ होगा, पूरा का पूरा डीसी के ऊपर काम किया हुआ है सेफ्टी को दिमाग के अंदर रखते हुए। तो मशीन अभी हमारी पहुंची है 321, तो लगभग रेडी हो गई है। मैं हीट टेप से पहले से एक बार चिपका लेता हूं, और क्लॉक किस फॉर्म में आपको मिलेगी क्लॉक का मैं आपको दिखाता हूं। तो ये मैंने प्रिंट आउट निकाला है, मिरर मैंने प्रिंट आउट निकाला है, ठीक है। इसमें दो सरफेस है, अगर आप ग्लोसी साइड प्रिंट करोगे तो ग्लोसी इफेक्ट आएगा, और मैट साइड प्रिंट करोगे मैट साइड इफेक्ट आएगा। तो मैं ग्लोसी की तरफ से लगा लेता हूं उसे, ठीक है। और दूसरा ये मैं आपको बता दूं, ये मैंने निकाला हुआ है A3 के अंदर प्रिंट आउट, तो ये वाली क्लॉक जो है हमारी वो A3 के अंदर कवर होगी। जल्दी ही A4 के अंदर भी लॉन्च करेंगे, एक्चुअली A4 के अंदर साइज थोड़ा सा छोटा लगता है, तो इसलिए हम लोगों ने भी A3 के अंदर इंट्रोड्यूस करा है। जिसके पास A3 प्रिंटर है वो इजीली इसे कर पाएगा, ठीक है। तो ये हमने लगा दिया है, और इसे हमने रखा मशीन के ऊपर अपना, हमने बिल्कुल सेंटर पकड़ लिया हमने, क्योंकि A3 के अंदर निकाला हुआ है। मशीन पहुंच गया हमारे टेम्परेचर के ऊपर, हमने जो टेम्परेचर इसलिए रखा है 350 इनिशियल टेम्परेचर, 350 मैक्सिमम, और टाइमिंग 60 सेकंड्स। मोड का बटन फिर से प्रेस करा, इसका करंट टेम्परेचर आ गया। लास्ट वाला बटन हमने प्रेस कर दिया, टाइमिंग शुरू हो गया, और हमने मशीन को प्रेस कर दिया है। हल्का सा प्रेशर लूज है, तो प्रेशर को आप टाइट कर लो, जैसे कि मैं बताता हूँ कि पीवीसी के अंदर आपको प्रेशर टाइट रखना होता है। इतना ये चल रहा है, मैं आपको चीज दिखाता हूँ जो क्लॉक है हमारी वो किस फॉर्म में आपको मिलेगी और किस तरीके से आपको आएगी, ठीक है। ये रबड़ है, पीछे का बेस है जो लॉक करेंगे हम। एक्चुअली जैसे जैसे आइटम आते जाएंगे वैसे वैसे बताते चले जाएंगे, वरना एक साथ में सारे आइटम्स बताना मेरे लिए भी डिफिकल्ट होता है, और प्लस स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। अभी देखो जैसे वायरिंग इतना सारा हो गया है टेबल के ऊपर, तो आइटम रखने में दिक्कत आ रहा है। देखो इस फॉर्म में आपको मिलने वाली है, एक बार प्रिंट हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगा। चार्जर इसके साथ में है, ये जो आएगा जो इसका केबल है, इसके आगे आपको अडेप्टर लगाना पड़ेगा, और ये वाला इसका अंदर चार्जर होगा। एक बार प्रिंट हो जाए फिर एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। मशीन हमारी बीप कर रही है, और लास्ट वाला बटन मैंने दबाया, बीपिंग करना मशीन ने बंद कर दिया है, और आइटम को हम निकालेंगे। मशीन को फिलहाल अभी शट डाउन कर देते हैं, और बाकी अभी जरूरत पड़े तो दोबारा चला लेंगे। और ये हमारा निकल गया है, ये इस तरीके से आएगा। और वो करना क्या है, सिंपल आपने ये इसके ऊपर रखना है, ठीक है, और ये आपने इसे लॉक कर देना है। ये इसके अंदर ब्रैकेट बना हुआ है बिल्कुल चार्जर के पॉइंट पे, ये बिल्कुल सेम टू सेम उसी जगह जाएगा। अब ये पोजीशन आप आपके हाथ में कि आपको किस तरीके से रखना है। अगर आप इस तरीके से लगाओगे तो चार्जर आपका इधर से निकल कर जाएगा, अगर आपको ये नीचे की तरफ चाहिए तो आप इस अपने पीस को घुमा लो जो आपका सेंटर में आपका जो फोटो लगा हुआ है, ठीक है। इसे हम लगा लेते हैं फिर इस तरीके से, ताकि बिल्कुल नीचे की तरफ उसका चार्जर का पॉइंट आए, ठीक है। ये हमने लगा दिया इस तरीके से। अब आती है इसे फिक्सिंग की बारी, फिक्सिंग हमारे पर लगा लेते हैं मशीन के अंदर जो हमारी क्लॉक मूवमेंट है, क्लॉक मूवमेंट हमने लगा लिया। इसके ऊपर जो हमारी
बाकी चीजें हैं वो टाइट कर लेते हैं। ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको बताई हुई हैं, बस ये है कि कोई नया व्यूअर अगर इस वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल है कि नट कैसे टाइट करना है या निडल्स को कैसे अलाइन करना है। ठीक है, तो ये हमने इसके ऊपर टाइट कर दिया। ठीक है, अब बात आती है ये रोकेंगे कैसे। ठीक है, उसके लिए हमारे पास में है ये रबर। देखो हमने गड़बड़ कर दी, हमने उस लॉक का ध्यान नहीं रखा और हमें वापस से खोलना पड़ेगा एक बार। ठीक है, तो हमने पोजीशन इसकी सही कर ली है, बिल्कुल सही जगह वो अपना आ गया है, बिल्कुल फोटो हमारी ऐसे दिखेगी और चार्जर का प्लेस भी हमें दिख रहा है जो हमें वो लगाना है। अब इसे होल्ड किस तरीके से करना है, साथ में रबर आपको मिलेगी, ये आपको एक कॉर्नर से लेकर के हम इसी के पास से शुरू कर लेते हैं, ये आपको लगानी है इस तरीके से। कुछ भी आपके पास में कोई भी पतला सा आइटम है, स्केल वगैरह है, हल्का सा इसे नीचे की तरफ दबा देंगे। बाकी मेरे पास में थोड़े से भी नेल्स मेरे बढ़े हुए हैं तो मैं नेल से दबा देता हूँ, इसे उतने में हमारा काम हो जाएगा। ये आपका होल्ड हो गया पूरा के पूरा, ये रबर अंदर की तरफ डाल दिए और जब भी आपको निकालना होगा एक कॉर्नर से रबर को पकड़ेंगे निकाल देंगे निकल जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक बार से चालू करके दिखा देते हैं, तो मैं यही वाली पिन यूज कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये क्लॉक रेडी हो गई। बीच में निडल्स किस तरीके से लगानी है वो मैं आपको बताया था अभी, या फिर वॉल क्लॉक रेडी हो गई, पीछे इसके अंदर लॉक लगा हुआ है, लॉक से आप उसे हैंग कर लोगे। एक बार हल्का सा निडल्स का आइडिया मैं आपको देता हूँ, निडल्स किस तरीके से आपको लगानी है। सिंपल है, सबसे पहले आप लगाओगे आवर्स वाली सुई जो सबसे छोटी होती है। ठीक है, पीछे की तरफ हाथ लगा लोगे मशीन के ऊपर ताकि मशीन पीछे की तरफ ना जाए, और ये आपने फिर मिनट वाली जो निडल होती है वो लगा लिया आपने, और उसके बाद में आपकी जो सेकंड वाली सुई होती है निडल होती है वो आपने लगा लिया, ये आपका रेडी हो गया। सबसे पहले आपको आवर्स वाली सुई लगानी है, फिर मिनट वाली लगानी है और फिर आपको सेकंड वाली लगानी है। ठीक है, एक आइटम ये हो गया जो रेडी है, और बाकी अगर हमें सेल लगाने की बात करें, सेल भी इसके अंदर एक लगा देते हैं। ठीक है, ये वर्किंग के अंदर अपने हिसाब से जो टाइम आपको सेट करना है वो टाइम आप इसके अंदर सेट कर लो, तो एक ये चीज़ हो गई। बाकी एक बार बात कर लेते हैं एलईडी वाले वॉल फ्रेम के ऊपर, जो एलईडी वाला वॉल फ्रेम है। मशीन को फिर से एक बार चालू करते हैं, तो ये हमने एलईडी वाले फ्रेम का प्रिंटआउट निकाला हुआ है, जो वॉल फ्रेम है जो मुझे आपको दिखाना है कि किस तरीके से आपको उसके अंदर स्लाइड करना है या डालना है, किस तरीके से रेडी करना है। ठीक है, ये मैंने इसका लगा लिया और ये टेपिंग से कर देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, क्लॉक के अंदर ना, जो क्लॉक मैंने भी आपसे डिस्कस करी थी, क्लॉक के अंदर जो नंबरिंग्स हम लोगों ने डाली हुई हैं ये अलग से डाली हैं, क्लॉक के ऊपर नहीं डाली आएंगी, प्रिंट के साथ में आपको नंबरिंग्स निकालनी है। जैसे कि टेम्पलेट्स आपको मिलती है, टेम्पलेट के अंदर जो सर्कल साइज मिलेगा उसके अंदर नंबरिंग्स डली हुई मिलेंगी आपको, तो जो भी आप फोटो सिर्फ फोटो आपको पावर क्लिक करना है, नंबरिंग जो है वो टेम्पलेट के अंदर आपको डाल करके मिलेंगी। ठीक है, तो मशीन का टेम्परेचर अभी पहुँचा है 342, तो एक बार वेट कर लेते हैं 350 पहुंचने का और फिर एक बार आइटम को हम लगाते हैं उसके अंदर। तो मशीन रेडी हो गई है और ये भी हम प्रिंट करने वाले हैं। ये डिज़ाइन है, ये हमारा पीवीसी, अगेन हमने इसमें ग्लॉसी की तरफ लगाया है, हमें ग्लॉसी इफेक्ट चाहिए, तो पेपर हमारा ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, टेफ्लॉन शीट का हम यूज़ कर रहे हैं, और ये हमने मशीन को मूव किया और लास्ट वाला बटन दबा दिया, हमने टाइमिंग शुरू हो गई। और बाकी वो फ्रेम्स का दिखाया तो आपको किस तरीके से कर रहा है, बाकी प्रिंट होगा तभी अगर मैं आपको बता दूंगा। इसमें बेसिकली ये पीवीसी साथ में आएगी, ये पीवीसी के ऊपर आपको प्रिंट करना है। ठीक है, मिरर इमेज आप इसके अंदर प्रिंट करोगे और सिंपली ऊपर से की तरफ से इसे स्लाइड कर दोगे, ये आपका रेडी हो गया इस तरीके से। सेम इसके अंदर भी वही कंसेप्ट है, पीवीसी डाला हुआ है और वह आपको प्रिंट करना है, इसके अंदर लगा देना है। एलईडी का पूरा वर्क आपको होकर के मिलेगा, सिर्फ आपको प्रिंट करना है, स्लाइड करना है। बॉक्स पैकिंग के अंदर आपको एक पीवीसी शीट मिलेगी, साथ में बेस फ्रेम मिलेगा, फिर एक आपको ये चार्जर केबल मिलेगा, साथ में ये वाला अडैप्टर इसके अंदर से ही निकला हुआ होगा। ठीक है, बस ये आपको इसके अंदर लगाना है
और पीवीसी शीट को ऊपर की तरफ से स्लाइड करके इंसर्ट कर देना है। इसके अंदर ऑप्शंस और भी हैं, ऑप्शंस लाइक अगर आपको फ्लेवर्स देने हैं कस्टमर को कि भाई उसे कभी कोई फोटो लगानी है इसके अंदर, कभी कोई फोटो लगानी है उसके अंदर, तो अलग से आप पीवीसी ले सकते हो कि आपको कभी एक फंक्शन के ऊपर ये फोटो लगानी है एलईडी के अंदर, या कभी किसी फंक्शन के ऊपर दूसरा फोटो लगाना है, तो आप एक्स्ट्रा पीवीसी भी बाय कर सकते हो, स्पेयर पीवीसी मिल जाएगा। या आप प्रिंट करते हुए पीवीसी आपकी खराब हो जाती है तो आप ये मत सोचो कि फ्रेम पूरा खराब हो गया, बस आपको पीवीसी एक्स्ट्रा बाय करनी है, हमारे पास मिल जाती है पीवीसी हो तो उससे भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये आपका रेडी हो गया। तो ये प्रिंट हो गया हमारा, तो इसे लगाते हैं फ्रेम के अंदर। लगाना वही सिंपल जैसा मैंने भी आपको बताया था, ऊपर की तरफ से बस आपको स्लाइड करना है। ठीक है, स्लाइड करते हुए आप इसे नीचे की तरफ ले जाएंगे, बिल्कुल सेम इसी तरीके से। ठीक है, बिल्कुल स्नग फिट जाएगा, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि हिलेगा। तो अब इसके अंदर लगा देते हैं, हमारे पास में जो केबल है वो लगा देते हैं। तो ये आपका एलईडी फ्रेम रेडी हो गया। अब इसके अंदर आपको फ्लेवर्स रखने हैं, तो फ्लेवर्स भी आप रख सकते हो कि दो चार पीवीसी आपने अलग से एक्स्ट्रा स्पेयर में बाय कर लिया, और क्लाइंट को आप ऑप्शन दे दो भाई जब आपको फोटो ये वाला चित्र, आप ये वाला फोटो लगा लो, तो ये सारी चीजें इसके अंदर है। अच्छा, दूसरा अब एक बार एलईडी फ्रेम्स के ऊपर, इनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। इनके ऊपर कुछ खास नहीं है लेकिन बट स्टिल बस इसके अंदर आपको अपना नाम अल्फाबेट देना है, जो अल्फाबेट आपको कटिंग कराना है। एक रेफरेंस इमेज आपको पहले दिखा देंगे कटिंग करने से पहले, और बेसिकली 24 आवर्स के अंदर है कि 24 आवर्स के अंदर हम लोग इसे डिस्पैच कर देंगे पूरा रेडी करके, बॉक्स पैकिंग जाएगा। तो जो भी चार्जेस वगैरह होंगे वो एक बार आप व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लीजिएगा, या ये सिंगल नेम वाला साइज है, कोई स्पेसिफिक साइज आपको चाहिए कि मुझे इस साइज के अंदर बनाना है वो भी कस्टमाइज हो जाएगा। तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड साइज इसके अंदर बनाया हुआ है, तो स्टैंडर्ड साइज जो भी रहेगा वो एक बार आप व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, पूरा डिटेल के अंदर उसके अंदर मिलेगा। बाकी लैंप का मैंने आपको बता दिया है, वुडन के अंदर या जो आइटम्स हम लोग बना रहे हैं उसके अंदर कुछ भी कस्टमाइजेशन चाहिए कि यार मुझे यहाँ पे अपना हैप्पी बर्थडे इसके ऊपर लिख करके दे दो, या कुछ भी कस्टमाइजेशन आपको चाहिए, जैसे कि लैंप की अगर हम बात करें, अगर कुछ क्वांटिटी है आपके पास में बनाने के लिए, अगर आप कह रहे हो कि भाई मुझे इसके ऊपर ये डिजाइन नहीं चाहिए, बिल्कुल प्लेन चाहिए इस तरह का, वो भी मिल जाएगा। बेसिकली भी डिजाइन के साथ हम इसे दे रहे हैं, और अगर आपको चाहिए कि भाई मुझे यहाँ पे हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ चाहिए, वो भी उसके अंदर कस्टमाइज हो जाएगा आप ही के टेस्ट के अकॉर्डिंग। और लकड़ी के अंदर पूरा लेजर वगैरह सब इन हाउस है अपनी, तो जो भी आपको कस्टमाइजेशन उसके अंदर चाहिए वो सारी चीजें उसके अंदर हो जाएंगी। तो शेडो बॉक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर किस तरीके से करना है, और लैंप मैंने आपको बता दिया है, ये भी मैंने आपको बता दिया, सिंपल पीवीसी प्रिंट करना है, स्लाइड है सिंपल, आपने स्लाइड करके अपना ये पीवीसी बाहर निकाला और ऊपर की तरफ से आपने पीवीसी डाल दिया, ये ऊपर ऊपर की तरफ में स्पेस बना हुआ है सेम इसी तरीके से। और बाकी आपने क्लॉक भी डिस्कस कर लिया हमने, एलईडी फ्रेम्स के बारे में पूछ लिया, जो भी प्राइसिंग वगैरह रहेगी वो आप व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, पूरा व्हाट्सएप के ऊपर पूरा प्राइस लिस्ट आपको मिल जाएगा साइज के अकॉर्डिंग क्या क्या ऑप्शंस उसके अंदर में है। तो गाइज बाकी चैनल से जुड़े रहिए, चीजें बहुत अच्छी चल रही है, तो बाकी तो मैसेज नहीं है, बाकी नए कुछ आइटम्स आते हैं फिर एक बार डिस्कस करते हैं। एलईडी के आइटम्स हम लगातार इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं, क्योंकि काफी समय से आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर एलईडी के अंदर कुछ आइटम्स लेकर के आओ, तो वो पूरी एक रेंज अभी बना दी हम लोगों ने। और बाकी फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नमस्कार, शुक्रिया।